बिग बॉस का सीन पलटने वाला टाइम आ चुका है। तो क्या है वो बड़ा ट्विस्ट, ये मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं स्निग्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। वेल, आपको बता दें कि इस बार बिग बॉस के घर में सीन पलटने का टाइम आ चुका है। ऐसे में घर के अंदर का सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है वो ये है कि इस बार एक एविक्शन या दो एविक्शन नहीं, बल्कि घर से चार एविक्शन होने वाला है। जी हाँ, एक साथ चार लोग हो जाएंगे घर से बेघर। वेल, ये तो बेहद ही बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है। ऐसे में ऐसे ये कयास लगाया जा रहा है कि जैसे या पिछले सीजन्स में देखा हो कि जिस तरीके से पारस छाबड़ा और सिद्धार्थ शुक्ला को एक सीक्रेट रूम में रखकर उन्हें सारी दिखाई जा रही थी बिग बॉस के घर के अंदर क्या कुछ चल रही है, शायद ये चार एविक्शन भी ऐसा ही हो। इन चारों को भी एक सीक्रेट रूम में रख दिया जाए और इन चारों को सभी चीज़ें करने का मौका मिले। लेकिन ये ऐसा होगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ऑफिशियल पेज, बिग बॉस के ऑफिशियल पेज से ये खबर आ चुकी है कि वेल, चार कंटेस्टेंट इस बार घर से बेघर हो जाएंगे, यानी कि एविक्शन हो जाएंगे, चार कंटेस्टेंट एविक्ट हो जाएंगे एक साथ। अब ऐसे में ये मोड़ तो बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है बिग बॉस के घर के अंदर। आगे क्या कुछ होने वाला है ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आज के वीकेंड के वार का एपिसोड। वेल, सबसे पहले तो रुबीना दिल्लैक को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि रुबीना दिल्लैक के फैंस सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। ऐसे में रुबीना दिल्लैक को डायरेक्टली मिल गया है टिकट टू फिनाले। जी हाँ, रुबीना दिल्लैक सीधे पहुंच चुकी हैं ग्रैंड फिनाले की तरफ, उन्हें टिकट टू फिनाले मिल चुका है। ऐसे में उनके फैंस बेहद ही खुश हैं और हर तरफ रुबीना के चर्चे हैं और फैंस डबल ट्रिपल और काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। इसीलिए हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू रुबीना दिल्लैक। और आप सभी क्या कहना चाहेंगे रुबीना दिल्लैक के लिए, कमेंट करके बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। तमाम बॉलीवुड और टीवी दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।